पृथ्वी पर मौजूद एक एक जीव हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो धरती पर रहता हो, पानी में विचरता हो, या फिर उसका बसेरा पेड़ों पर हो। जीवों की बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी आँख से देख भी नहीं पाते। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारी पृथ्वी और इसके पर्यावरण को बनाए रखने में ये सूक्ष्म जीव भी अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बात सही है कि आज इंसान इस धरती की सबसे सर्वव्यापी प्रजाति है और वो महाबली बनने में जुटा है। लेकिन आधुनिक इंसानों की प्रजाति यानी होमो सेपियंस सिर्फ 3 लाख साल पुरानी है, जबकि बहुत से जीव इस पृथ्वी पर करोड़ों साल से रह रहे हैं, उस समय से जब डायनासोर्स हुआ करते थे। क्या आज भी ऐसे जानवर हैं जो डायनासोर्स के खत्म होने के बाद बचे रहे? लगभग 6.6 करोड़ साल पहले 14 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया और धरती पर रहने वाले बहुत से जीव खत्म हो गए। चंद सेकंडों में एस्ट्रॉइड ने पूरी पृथ्वी को जला दिया, ज्वालामुखी फटने लगे। कुछ दिनों के भीतर पृथ्वी अंधेरे की चादर में लिपट गई। इसके बाद बरसों तक खतरनाक हिमयुग रहा। एसिड की बारिश ने महासागरों को बदल दिया। सब पेड़ पौधे मर गए। धरती की 3/4 प्रजातियां खत्म हो गईं। आज के सरीसृप छोटे डायनासोर्स जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके और डायनासोर्स के बीच कम ही समानताएं हैं। मगरमच्छों के साथ ऐसा नहीं है। उनके प्रागैतिहासिक रिश्तेदार 25 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए। ये असल में डायनासोर्स के दौर के ही जीव हैं। कछुए भी सबसे पुराने सरीसृप समूह में आते हैं। महासागरों में सबसे पहले कछुए 22.5 करोड़ साल पहले तैरे थे। इनकी बनावट भी अकेले रहने वाले प्राचीन जीवों जैसी है जो आज भी जीवित हैं। स्टिंगरे नाम का जीव तो और भी पुराना है। आदिकाल का ये जीव नरम हड्डियों वाली मछलियों के समूह से आता है, शार्क की तरह। डायनासोर्स के युग में भी ये समंदर के परभक्षियों में शामिल थे। एस्ट्रॉइड से हुई तबाही का असर शार्क जैसी मछलियों पर बहुत कम हुआ। हॉर्सशू केकड़े भी बीते 15 करोड़ सालों में ज्यादा नहीं बदले हैं। जीवित जीवाश्म कहे जाने वाले ये जीव सागर में हर हाल में रहना जानते हैं। पक्षियों का विकास उन डायनासोर से हुआ जो अपने पंखों के कारण बच गए थे। मुर्गियां और शुतुरमुर्ग टायरानोसोरस रेक्स के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं और ये वैसे ही चलते भी हैं। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है जो इस पृथ्वी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, और वो शायद इसलिए क्योंकि वो ऐसा कर पा रहा है। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के रूप में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? सवाल ये भी है कि जिस तरह करोड़ों साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने इस धरती से डायनासोर्स का नामोनिशान मिटा दिया था, क्या भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है? एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष में घूमते हुए पत्थर हैं। ये हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों का मलबा है। अब उनमें से बहुत सारे बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उस जगह को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। अगर छोटे छोटे एस्ट्रॉइड बृहस्पति के बहुत नजदीक चले जाते हैं तो इस विशाल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें स्थिर कक्षा से बाहर फेंक देता है और वो फिर पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं। ये आवारा एस्ट्रॉइड दूसरे एस्ट्रॉइड से टकरा सकते हैं और इससे बने एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े भी हमारी धरती के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसीलिए आकाश पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि खतरनाक एस्ट्रॉइड का पता लगाकर उनकी चाल को समझा जा सके। धरती के करीब से गुजरने वाले लगभग 2200 एस्ट्रॉइड के बारे में जानकारी दर्ज है।
इनमें से एक तो इतना बड़ा था कि उससे भारी नुकसान हो सकता था। लगभग 10 लाख एस्ट्रॉइड लगातार पृथ्वी की कक्षा से गुजरते हैं। जैसे कि एपोफिस, 300 मीटर से ज्यादा व्यास का यह एस्ट्रॉइड इतना बड़ा है कि बेंगलुरु जैसे शहर का सफाया कर दे। अप्रैल 2029 में ये धरती के इतना करीब आएगा कि धरती के इर्द गिर्द घूम रहे सैटेलाइट्स के बेहद करीब पहुंच जाएगा। कुछ एस्ट्रॉइड तो हर 4 घंटे में पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। इनका व्यास कई किलोमीटर का होता है और ये इतने बड़े होते हैं कि रडार टेलीस्कोप से भी देखे जा सकते हैं। इनके पृथ्वी से टकराने पर भारी तबाही हो सकती है। नई गणनाओं के अनुसार अगले 200 साल के लिए ऐसा खतरा बहुत कम है। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप सूर्य की तरफ से आने वाले एस्ट्रॉइड्स को नहीं देख सकते। 2013 में रूस के शहर चेलियाबिंस्क में गिरा एस्ट्रॉइड उसी दिशा से आया था। ये सिर्फ 20 मीटर चौड़ा था, लेकिन इससे जो ऊर्जा निकली वो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 30 गुना ज्यादा थी। ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हमारे सामने आ सकती हैं। न जाने इस ब्रह्मांड में क्या क्या छिपा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके सारे रहस्यों को जानना इंसानों के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ एक छोटे से दायरे तक हमारी पहुंच है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज इंसान ब्रह्मांड के बारे में जितना जानता है, उससे पहले किसी और प्रजाति के जीवों ने इतना नहीं जाना होगा, या फिर कम से कम हम किसी ऐसी प्रजाति के बारे में नहीं जानते। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। आपसे होगी जल्दी फिर मुलाकात। तब तक अपना और अपने पर्यावरण का ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।